दोस्तों वालेकुम आपका मेज़बान तला जहांगीर रहमानी बातों बातों में आरएनए ऑनलाइन वेबसाइट लाइव पर फेसबुक पेज पर और हमारे ट्विटर और यूट्यूब पर आपसे हमारा संपर्क हमारा रहा जुड़ा है और आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़े हैं आपसे गुजारिश होगी हमें सब्सक्राइब करें और हमारी कोशिश अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आज की शाम दिल की बात अपने दोस्तों से कह दूं तो मुझे इस्माइल आशना का एक शेर याद आया आशना साहब का शेर है दारेबर मुचरित वुछा वंगई सायन लरन। दारेबर मुचरित वुछ वा वंगई सायन लरन जहां जहा गा दर्द गामच बोन हन्द बन आज की शाम अच्छी खबर कि दानिश गहे कश्मीर जो हमारा फख्र है जो हमारा नाज है जो हमारा अहसास है जिससे हमारी उम्मीदें उम्मीद हैं, वो कल उन्नीसवा कन्वोकेशन मुनक़द कर रहा है कई सालों से मामलात जो बने हैं आप जानते हैं ऐसे में इतनी अच्छी खबर आ जाए तो यकीनन दिल झूमने को करता है इंसान खुश होना जो हालात में कभी कभी भूल जाता है ऐसी खबरें जब आ जाती हैं तो एक उम्मीद नहीं बल्कि एक तोानाई एक एनर्जी वापस मिल जाती है कि नहीं यार ठीक है थोड़ा सा गुलूम रहा है थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस रहा है लेकिन काम हो रहा है काम चल रहा है कल इस कन्वकेशन में सदर ममलिकत तशरीफ फरमा होंगे बतौर मेहमान खसूशी हमारे मेरिटोरियस हमारे जीनियस हमारे बहुत ही होनहार तलाब लिबानलम तलबा व तालिबात अपनी डिग्रीज हासिल करेंगे मेडल पाएंगे तालियां बजेंगी और एक नई खेप कश्मीर यूनिवर्सिटी से काम करने के लिए बाहर आ रही है और इसके बाद अब तक लाइसेंस पा रही है इस मौके पर मैं सबसे पहले तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा राज की शाम हम शुक्रगुजार हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी दानशगही कश्मीर के डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर शबीर अहमद भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं शबीर साहब असल वालेकाम वरह वक्त आपका खुश आमदीद वेलकम सर और सबसे पहले सबसे पहले मैं व्यवर्स की तरफ से अपनी तरफ से यकीनन इन हालात में भी एक अच्छा इवेंट एक खुशगवार इवेंट आप कल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके तरह तला जहांगीर साहब सब सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम बातों बातों में आने की दावत दी और उन तमाम साथियों और दोस्तों की खदमत में जो इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं मेरा प्यार बरा असलम तो जैसे कि आपने कहा दानिश गए कश्मीर जिसके साथ में पिछले तीस साल से जुड़ा हुआ हूँ जो मेरा गुरूर है मेरा फख्र है कल हम उन्नीसवी कलोकेशन के इवेंट से आपसे बात करने का जो ये गुफ्तु करने का मौका मिला मैं शुक्र गुज़ार हूँ आपका आपने सोचा कि इस अहम मौके पे बात हो हमारा जो लास्ट कन्वोकेशन वो 2012 में हुआ उसके बाद 2013 से और 2021 तक अब मुश्किल या कहीं वजूहत की वजह से ऐसे इवेंट का होना मुमकिन नहीं हो पाया लेकिन अब कल उन्नीस सत्ताईसवीं जुलाई एक बहुत बड़ा इवेंट एस के में हो रहा है जिसके मेहमान ये खसूस भारत के राष्ट्रपति ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी होंगे और वो कानोकेशन से खिताब करेंगे इसके अलावा इसमें रियासत यूनियन यू, यू, टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल मनोज कुमार सिन्हा साहब इसमें मेहमान खसूसी भी होंगे और वो डिग्रीज़ अवार्ड करेंगे और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम टॉप ऑफिसर्स इसमें और दानश्वर तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर ऑफिसर्स पीपल फ्रॉम एक्डेमिया यूनिवर्सिटी काउंसिल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट तकरीबन साढ़े तीन सौ के करीब कोविड के तमाम प्रोटोकॉल पर मद्दनजर रख कर क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कोविड नाइनटीन में इन मुश्किल तरीन हालात में इतने बड़े पैमाने पर ऐसे इवेंट करना जहाँ खुद सदर भारत के राष्ट्रपति मौजूद हो और एक साथ साढ़े तीन सौ लोगों का जमा हो जाना तलबा और तलिबात और एक्डेमिया का एक जमा हो जाना कोविड के तमाम मामलों जो है कोविड प्रोटोकॉल जो है गाइडलाइंस है उसका खास ख्याल रखा गया सबसे पहले इस मंच पर बैठने वाले जितने भी डिग्नेटरीज है उनका सा पी सी आर का रिपोर्ट आज चार पाँच बजे तक सबका आया हुआ है और अल्लाह के फजल से सारे नेगेटिव है और जितने भी मेहमान को हमने इसमें दावत दी चाहे तलबा तलबात और अकेडमिया के जितने भी मेंबर्स हैं उनका रैपिड किया हुआ है और वो सबसे पहला हमने ये ये काम किया हो ताकि इस अंदर इस बात का खदशा ना रहे कि खुदा ना करे किसी को कोई परेशानी हो इसके अलावा डिस्टेंस का ख्याल रखा गया इस हाल में तकरीबन 700 के करीब बैठ सकते हैं लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से 300 एक को छोड़ के एक बैठने का प्रोग्राम है सीट नंबर अलाट किए गए हैं और मास्क सैनिटाइजर्स जो भी प्रोटोकॉल है उसका ख्याल रखा गया है मैं कुछ शुरू करूं एक कुछ हाइलाइट्स में आपको देना चाहूंगा इसके हवाले से सबसे पहले ये कल राष्ट्रपति जी तकरीबन एक हजार से ऊपर इसमें पीएचडी के लिए कैंडिडेट्स को डिग्री अवार्ड की जाएगी अच्छा। और एक हजार से उपर, एक हजार पच्चीस कैंडिडेट को दो तो हजार तेरह से इक्कीस डिग्रीज अवार्ड की जाएंगी छह सौ उनहत्तर एम फिल डिग्री और तीस हजार से जायद मास्टर्स प्रोग्राम डिफरेंट एकेडमिक साइंस टेक्नोलॉजी सोशल साइंस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एरिया जितने भी कोर्सेज हैं हमारे यहाँ प्री पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज तीस हज़ार से ज्यादा डिग्रीज कन्फर की जाएंगी और उसके अलावा एक और बात ख़ास है दो लाख सतावन हज़ार से जायद अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज दी जाएगी जिसको हम पिछले सात साल के दौरान कन्फर नहीं कर पाए कि कल ये सारी डिग्रीज अदा की जाएगी इसके अलावा राष्ट्रपति जी खुद तकरीबन अठानवे गोल्ड मेडल्स कल इस तकरीब पे दिए जाएंगे जिसमें राष्ट्रपति जी खुद तकरीबन दस मेडल जो है, में उनको दिया जाएगा तो ये बहुत बड़ा इवेंट है बजाद खुद कि और जैसे कि आपने कहा इस दानश्वर से जहाँ से स्टूडेंट्स हर जगह से आते हैं कुछ सीखने के लिए कल अपनी नई उमंगों के साथ नई दिशाओं की ओर जाने के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट का जो इनका किया गया है तो इस यकीन के साथ कि हमारी आने वाली नस्ल एक एक नई उम्मीद एक नया खाब लेके आएंगे और हम सब के लिए यू नो खुशी का मकाम है कि इतने सालों के बाद इनके जो खाब जो इन्होंने बुने हैं जो इन्होंने अपने अंदर देखे हैं ताकि उनका हम कम कल ये देखें कि वो अवार्ड वो फल बड़ी मेहनत के बाद वही एक तलबा और वो जानते हैं कितनी मेहनत के बाद कितनी इतनी एक एक सफर के दौरान आगे बढ़ने के बाद इस मौके पे पहुंचना और ये एजाज़ हासिल करना मैं समझता हूँ हम सब के लिए टीचर्स के लिए स्कॉलर्स के लिए उनके वालदेन के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का मकाम है तो हम इस 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 इवेंट के मुंतजिर है कल तो इसके लिए जो भी तैयारियां हैं सारी यूनिवर्सिटी के अकेडेमियाँ और एडमिनिस्ट्रेशन वाइस चांसलर तलत साहब रजिस्ट्रार साहब डीन सारे हमारे डीनस ने पिछले दस दिन के दौरान भी एक दिन रात मेहनत करके इस पर ये ताकि ये इवेंट कामयाब रहे सर ये एक ये एक इवेंट नहीं है आई डोंट थिंक दिस इज एन इवेंट बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपने हमारी उम्मीदों का चराग रोशन रखने की एक कोशिश की है और उसमें कामयाब हुए हैं मेरी तरफ से आप और आपकी टीम जितना भी अमला हमारा वहाँ पे है उन सब को उन को, हमारी तरफ से सलाम और हमारी तरफ से मुबारकबाद यहाँ पर मुझे एक, एक विवर, विवर का एक वर्ड आ गया वो कह रहे थे वेरी गुड थैंक यू इमरान खान आपका वेरी गुड कहना बहुत अच्छा लगा थैंक यू वेरी मच और अब मेरा सवाल है कि आपने 2012 से लेकर हजारों की ये डिग्रियां जो है पी हैं रिसर्च के लिए एम वगैरह या अब गोल्ड मेडल जो मिल रहे हैं तो मतलब ये है कि बावजूद इसके कि बहुत बुरे हालात रहे कोविड रहा लॉकडाउन रहा कश्मीर यूनिवर्सिटी अपना काम करती रही है Am I right? आप बिल्कुल दो तीन बातों का चाहूँगा मुश्किल कई सालों से हम सब इनफरादी तौर इज्तमी तौर मुश्किल हालात से गुजरे लेकिन जहाँ तक कश्मीर यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है और तालीम का है, रिसर्च का, का अनथक मेहनत करके इन्हों की राह पे गामजन है दो तीन चीजों का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कश्मीर यूनिवर्सिटी पिछले साल नैक जस्ट नेशनल एक्रेडेशन जो जो हम नेशनल लेवल पे होती है उसमें हमने ए प्लस ग्रेड हासिल किया हुआ है इसके साथ नेशनल ना। यस एनआरएफ रैंकिंग में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में हमने फोर्टी रैंक हासिल की है और इंटरनेशनल रैंकिंग में भी हमारा बड़ा मकाम है तो मैं समझता हूँ इतने सारे जो आपने कहा इतने सारे मुश्किल तरीन हालात के बावजूद जैसे कि पिछले साल कोविड हुआ है कोविड के दूसरे दिन मैं ये कहूँगा बड़े एतमाद के साथ ये कहूँगा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी पूरे मुल्क में वाद यूनिवर्सिटी है कोविड अनाउंसमेंट के साथ साथ ही अभी पॉलिसीज़ बन ही रही हैं हमने नोटिफिकेशन इशू करके दूसरे दिन ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया हुआ है ये सबसे बड़ी बात है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनको महीने लग गए ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने के लिए दूसरे दिन मैंने वैसे अफेयर्स के नोटिस नोटिफिकेशन लिए हैं कि कल से हमारे तमाम एकेडमिक कोर्सेज ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं उसका जो एकेडमिक कैलेंडर हमने शुरू किया है और सुबह से शाम तक कश्मीर यूनिवर्सिटी की पूरी फैकल्टी उसमें थी और इसके साथ जो हमारे लैब्स में साइंस में जो हमारे रिसर्च प्रोग्राम्स थे जहाँ पर काम करना लैब में ज़रूरी था उसको हमने आई मीन ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को लाके हर पूरे दिन सारे लैब्स हमारे फंक्शनल रहें तो उसके बाद इमिजिएटली मीन अपने टाइम पे हमने बिना बिना कुछ वक्त आई I मीन mean, में ये लिए हुए नोटिफिकेशन इम्तिहानारा इम्तहाना शुरू किए हैं बाह द रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और आज पिछले तक मैं पिछले महीने से हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी में या मैं कहना इस बात का कर जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पर पूरे मुल्क में हमने फौरन ऑफलाइन तमाम कोविड प्रोटोकॉल का अमीन ख्याल रखते हुए आज कल हमारे एंट्रेंसेस हो रहे हैं जिसमें तकरीबन पच्चीस हज़ार से जायद पूरे यू, यूनियन टेरिटरी के बच्चे उसमें शरीक हो रहे हैं और ये ऑफलाइन एंट्रेंस हो रहा है एक तरफ कल हमारे हमारा वहाँ इतना बड़ा बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ हमारे सारे एंट्रेंस साथ साथ चल रहे हैं ये देख लीजिए आप एक तरफ एंट्रेंस पे हम हमारे, हमारे हमारा पूरा तवज्जा मरकूज है दूसरी तरफ यहाँ पर हम कन्वोकेशन कर रहे हैं और साथ साथ हमारे जो एग्जामिनेशन है और न, न, न सिर्फ इतनी कि हमारे जो बहुत सारे पी एच डी डिग्री हमने उनको किसी 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 बच्चे को कोई परेशानी ना हो चाहे पी का वाइवा हो चाहे एक्सटर्नल हो इंटरनल हो ऑनलाइन जो भी है वो हमने किए इसके अलावा हमने एक और काम किया कि आहम पे कोविड के अलावा बड़े बड़े मौजूद पे हमने दुनिया केवल I mean, के से सेंटर फॉर करियर और सारे डिपार्टमेंट में हफ्ते में जो हम ऑफलाइन में नहीं कर सकते थे हमने वो ऑनलाइन में किया जो प्रोफेसर स्टैनफर्ड येल हार्वर्ड इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से यूरोप से अदर इस इस्लामिक से मलेशिया से हमने सारे यूनिवर्सिटीज के साथ काम किया इस कोविड के दौरान uh, डॉक्टर साहब प्रोफेसर साहब मेरा सवाल यह है कि आप आ, पहले तो कोई इस पर डिबेट है ही नहीं कि क्लास रूम की रिप्लेसमेंट हो सकती है देर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर अ क्लास रूम लेकिन इसके बाद जो हालात बने आपने वेबिनार किए आपने जूम का इस्तेमाल किया आपने वर्चुअल मोड में आप गए कितना फायदा उठा सके हमारे स्टूडेंट देखिए इस पर मैंने मेरे कई आपने कहा ये सबस्ट्यूट नहीं हो सकता है ऑनलाइन मोड जो है ऑफलाइन मोड का सबस्ट्यूट नहीं हो सकता है मेरे कई राइट्स ग्रेटर कश्मीर में इस पे छाया हुए हैं ये बात सही है लेकिन ऐसे हालात में जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है एक वादरनेटिव था जो हमने यूज किया और मैंने इसके अपने फायदे भी है लेकिन इस वक्त मैं आपसे गुफ्तू कर रहा हूँ और हजारों की तैदाद में शायद हमारे साथी इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं ऑफलाइन मोड में ये मुमकिन नहीं था कि हम एक दूसरे के साथ अपने ख्याल का इजहार करके साथ साथ हजारों तलबा और तालिबात हमारी बात को सुन सके और शायद सवाल पूछ सकते हैं या एक क्यूरियासिटी क्रिएट हो सकती है तो जो हम ऑफलाइन में नहीं कर सकते हैं हमने वो ऑनलाइन में किया है लेकिन हम चाहते हैं कि जिस ये उसका मुतबाद नहीं हो सकता है नहीं वो होता नहीं हो ये उसका सब छूट नहीं हो सकता है लेकिन अब ये है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी जहां पर मुमकिन है वहां पर हम ऑफलाइन ही करेंगे लेकिन साथ साथ कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम ऑनलाइन मोड में ही डाल देंगे कि स्वयं का यूज करके बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जहाँ मूक्स का यूज करके आप बिकॉज बहुत सारे यूनिवर्सिटीज दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने ऑफलाइन कोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज I mean, आई मीन ऑफर किए हैं तो मेरा ये मानना है कि आप जो जिस जिस आई I मीन mean, और की तरफ जिसाब की तरफ, और हम जा रहे हैं तो इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीज़ें रहेंगे बट क्लासरूम टीचर का जो आगे आना टीचर के साथ अमीन क्लास में बैठना और स्टूडेंट्स की बात सुनना वो वो तो नहीं हो सकता है लेकिन इन हालात में जब हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है तो हमें इसका चाहे जूम हो गूगल हो जैसे आपने इसका इशारा किया है या अपने हमारे जो अमीन अपने सॉफ्टवेयर जो हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी में डेवलप किए हैं उनके जरिए जो भी हम कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है हम हम वक्त को रोक नहीं सकते हालात को रोक नहीं सकते जब हमें तो इसके साथ तो हमें बाकी जो दूसरे जराया हमारे पास है तो उनका फायदा उठाना जरूरी है वर्दी दीन एकेडमिक कश्मीर यूनिवर्सिटी डॉक्टर प्रोफेसर शबीर साहब जी जी कुछ कीजिए कुछ कुछ, 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 कुछ आइडिया के क्योंकि ऑन ऑन ग्राउंड जो हमारे इस वक्त कोविड 19 की सिचुएशन है कुछ आइडिया है कि, कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन मोड पर हम कब तक वापस आ जाएंगे जब हम जब हमने अप्रैल में शुरू किया मैं आपको ये बात बताऊं तमाम अमीन मुश्किल बहुत थे लेकिन मैंने ये माना उस वक्त यह फैसला लिया था कि हम ऑफलाइन मोड में आ रहे थे मैंने ही नोटिफिकेशन इशू किया मोड में आने के लिए और ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स वगैरह करने की नोटिफिकेशन आ गई है हालांकि स्टूडेंट्स ने उस वक्त का हालात खराब है मैंने कहा हालात ठीक हो जाएंगे अगर खराब रहे लेकिन उसके बाद हालात दूसरी वेव आके जो कोविड की सेकंड वेव आ गई है तो हमें फिर ऑनलाइन मोड में रहना पड़ा अब हम कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से देखते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के गाइडलाइंस क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हायर एजुकेशन और यहाँ से यहाँ के गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आके हम कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कम से कम थर्टी फोर्टी परसेंट स्टूडेंट्स को लेके हम ऑफलाइन और मेरी हर, हर तरह यही कोशिश रहती है कि हम ऑफलाइन मोड में जितना जल्दी हो वापस आए लेकिन यहाँ पर भी मैं ये भी कहना चाहूँगा जहाँ पर बच्चों की तैदाद कम है लाइक like हमारे कुछ कोर्सेज फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी में हमारे कोर्सेज जो दस बारह के करीब बच्चे हैं रिसर्च में मैंने उनको कहा कोविड का प्रोटोकॉल रखते हुए आप ऑफलाइन मोड में इस्तेमाल करो यानी कि आपके कब तक है मैंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया हुआ है अब देखते हैं कि हालात किस और करवट लेते हैं हालात का जायजा लेके हम इस पर हम इस पर चर्चा होगी उसके बाद फैसला लेंगे और मुझे लग रहा है अगस्त के महीने में और फर्स्ट महीने मी, मी, में हम आहिस्ता आहिस्ता ऑफलाइन मोड की तरफ बढ़ रहे हैं इन अल्लाह हमारी मदद करे और हालात बेहतर हो जाए तो ये हम उम्मीद रखेंगे मेरा आखिरी सवाल प्रोफेसर साहब आपसे ये महज एक तमाशाई की ऑब्जर्वेशन है मैं एक तमाशाई हूँ लेकिन जब मैंने भी बात की तो मैंने कहा कि इस कोविड की वजह से हम दो कैजुअलिटीज रही एक कैजुअलिटी थी जानों की और एक कैजुअलिटी थी तालीम की एक कैजुअलिटी हमारी जान बनी और एक कैजुअल हमारा हमारी तालीम का सिलसिला आपसे पूछूंगा आप तालीम के नुकसान को कश्मीर यूनिवर्सिटी में बैठकर किस हद तक इस नुकसान को कम कर पाए कितने मुतमयन हैं आप जहां तक आई मैंने अपने दो चार साथी खोए दो बड़े इंटेलिजेंट ब्रिलियंट प्रोफेसर मैंने अपने साथी खोए जो इनोवेशन एंटरप्रीनियर और इनक्यूबेशन में काफी महारत उनकी हासिल थी और ये एक सदम था मेरे लिए और हम हमारे अपने साथियों हम 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 सब सब के के इतना आसान नहीं लिए। था इतना आसान नहीं था और उन उस उस वैक्यूम को फिल अभी तक में पूरा नहीं कर पाया और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा जहां तक लीडरशिप का तकाजा है मेरे सामने लीडरशिप ये है कि मुश्किल तरीन हालात से आप कुछ सीख सकते हैं नेगेटिव सिचुएशन जब हो उनसे उभर कर ऊपर पढ़ के आप उनसे कुछ सीख सकते हैं तो मैं मुतमिन हूँ इन मुश्किल तरीन हालात में जो मैं इर्द गिर्द का माहौल देख रहा हूँ कि जिस हद तक तालीम मुतासर हुई तकरीबन 200 मुल्कों में आपने पता है करोड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स ने इतना बड़ा सफर किया ये उसके लिए ये कम नहीं था क्लास से आई मीन अलग हट के उनको घर पे रहना पड़ा इसके नफसियाती बहुत सारी पहलुआत बहुत सारे मसले हुए लेकिन मैं काफ़ी हद तक मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरी हद तक मतम हूँ लेकिन जिस ढंग से जिस मेहनत और लगन और ईमानदारी के साथ मेरे साथियों ने यूनिवर्सिटी ने काम किया मैं समझता हूँ इन हालात को कोविड हालात को मद्दनजर रख कर मैं मैं मतमिन हूँ जि, जितना काम हमसे हो सका हमने किया इ, 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 इसका मुझे इतमान है कि हमने अपनी तरह से जितनी भी कोशिश हो पाई मुझसे और अपने दूसरे साथी जो है वाइस चांसलर्स जो है हम चौबीस घंटे काम करते रहे ताकि हमारे स्टूडेंट्स का वक्त जाया ना हो और वक्त पे उन, उनकी डिग्री उनको मिल जाए ताकि वो हालात बेहतर होते ही जिंदगी के में चला जाए तो जितना हमसे हो सका लेकिन ये भी जाहिर सी बात है कि इन तरीन हालात में ऐसे भी वक्त आए कि हमसे जो, जो हम चाहते थे वो हो नहीं पाया लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि हमें करे। हालात हालात बेहतर हो और हम, हमारे सारे बच्चे तलबा और तालबात ये भी उनके लिए बड़ा एक जहनी अमीन परेशानी का सबब बना हुआ है कि तकरीबन एक साल से महीने से मार से लेकर वो घरों में पड़े हुए हैं वो अल्लाह करे कि वो यूनिवर्सिटी की और दूसरे के साथ बैठना लाइब्रेरी में जाना अपने साथियों के साथ टीचर की तरफ देखना बोलना समझना ये एक अलग बात है जो अभी तक हो नहीं पाया लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है और यही रहेगी कि अगस्त के महीने में हालात ठीक रहे कि हम पूरी तरह ऑफलाइन मोड की तरफ वापस आए जनाब आलिया अब कल अपना कन्वोकेशन उन्नीसवा कन्वोकेशन सताईस जुलाई को कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से और इसमें न सिर्फ रामनाथ कोविंद जी बल्कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी के वो भी मौजूद हैं और भी डिग्नेटरीज और गलेक्सी गुड एंड नाइस पीपल वो वहां पर होगा इसमें कितना जो हजारों की ये डिग्रियां हैं हजारों के सेंगड़ू में मेडल हैं ये इसमें 2019 2020 या 21 इस इस पीरियड का शेयर कितना है 98 गोल्ड मेडल्स टू बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट कल हम इस 2021 के जो मेडल्स है वो 98 मेडल्स है कल जो इस कनोकेशन में गोल्ड मेडल्स की मैं बात कर रहा हूं जो इस कनोकेशन

यहाँ से एक 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 नई जहन एक नया नया सोच उभरता है तो हम सबको आप लोगों की ज़रूरत है इस इंस्टीट्यूशन को आगे ले जाने के लिए मैं हमेशा ये मानता हूँ खामियाँ हो सकती है गलतियाँ हो सकती हैं लेकिन उनको मद्देनज़र रख नहीं है कि ये भी देख लीजिए कि कितना बड़ा काम हो रहा है और आज कल जो कल का जो ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है तो इससे आपको पता चलेगा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी कितनी कितनी कोशिश कर रही है अपनी तरह से और मैं ये नहीं कहूंगा कि सब सही है छोटी मोटी चीजें ऐसे इन हालात के दौरान आई I मीन mean, मैं समझता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को शिका लेकिन कोशिश जारी है सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी तरफ से कोशिश जारी रखे हुए हैं कि हमारे बच्चों को सही तालीम क्वालिटी एजुकेशन यू नो सही रिसर्च की तरफ उन, 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 उनको गाइड किया जाए और उनकी सही मेंटरिंग की जाए और टेक्निकल कोर्सेज में स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में रिसर्च में हमने हमारे नए नए डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सेंटर फॉर करियर प्लानिंग एंड काउंसिलिंग यू you नो know, यूपीएससी एग्जाम में बोले बहुत सारी चीजों की तरफ हमारा ध्यान है कि तर, अगर उस अल्लाह करे आप लोगों की जैसे मैंने कहा दुआ की जरूरत है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े कि उसी में हमारी मैं, मैं समझता हूं हम हम सब की कामयाबी है आ, तो मैं आ, मैं लास्ट पे ये कहूंगा अगर टाइम है कि अभी मैंने हमेशा ये कहा है कि जो कुछ हो रहा है फिर भी नहीं है नाउमेद इकबाल अपनी किश्ती वीरान से जरा नम हो तो ये बिटी बड़ी नो डाउट नो डाउट अबाउट इट और बहुत ही शुक्रगुजार हैं ये इंसान की लाइफ में उम्मीद का बड़ा अमल दखल होता है उम्मीद बाकी रहे तो कारवा आगे बढ़ता रहता है और मेरे लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी मेरे बचपन से लेकर आज तक एक उम्मीद रही है और जिससे मैं कभी मायूस नहीं हुआ थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया तला साहब बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच सर अल्लाह सलाम दोस्तों ये थे डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर शबीर अहमद भट्ट साहब ख्याल ये आया था कि कल इनका एक इवेंट है नाइनटीन कन्वोकेशन ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी जैसे उन्होंने कहा कि कमियां रहती हैं हालात की वजह से या कभी 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 और कुछ कमजोरियां आ जाती हैं लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन और हमारे लिए उसका वजूद इससे हम कभी इनकार नहीं कर सकते कोई नहीं कर सकता और वही जो मैंने कहा कि एक उम्मीद उम्मीद से कारवां आगे बढ़ता है उम्मीद बाकी रहे तो मेरे लिए हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद है वह है कश्मीर यूनिवर्सिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक तालब इल अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इनका ताल्लुक हमारे जिले पांडीपुर से है मोहम्मद रफीक हैं ये टॉपर रहे हैं 2018 20 बैच में मास्टर्स के लिए टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट इनका सब्जेक्ट रहा है इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा जा रहा है बातों बातों में ख्याल आया कि कम से कम हम अट्ठानबे लोगों से आज बात नहीं कर सकते एक हजार से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर से बात नहीं कर सकते कोई नुमाइंदगी तो होनी चाहिए आज की इस सेलिब्रेशन में बातों बातों में हम कोशिश करेंगे कि मोहम्मद रफीक से हमारा अगर राबता होता है बल्कि मुझे इशारा मिल रहा है कि मेरे दोस्त हमारे नौजवान सुकालर मोहम्मद रफीक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं रफीक साहब योर वेलकम थैंक यू सर अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम इस मासूमाना शख्सियत से मैं पहले एक मासूमाना सवाल अपना तारुफ कराइए घर से कहाँ से शुरुआत की और माशाल्लाह आप कहाँ जा रहे हैं कल मुझे बताइए जी सर मेरा नाम मोहम्मद रफीक हजाम है मैं जिला गांधरबल के एक गांव सफापुरा से बिलोंग करता हूँ कुमार मोहल्ला से सर बिलोंग करता हूँ और मेरी जो इब्तदाई तैलीम हासिल हुई है वो वही एक स्कूल इस्लामिया मॉडल पब्लिक हाई स्कूल से कंप्लीट की है उसके बाद जो एला तालीम का जो सफर शुरू हो गया वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिफापुरा से होते होते फिर गवर्नमेंट अमर सिंह कॉलेज तक पहुंच गया सर इस कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए इस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बहुत सारे रीजंस बने कारण बने जिन्होंने मुझ पे जोर दिया मुझ पे हम कह सकते फोर्स किया कि मैं जो मेरी आसपास के जो कॉलेजेस हैं गांधरबल संबल मैं उनको छोड़ के कुछ नया हासिल करने के लिए कुछ नया ढूंढने के लिए थोड़ा सा इस अपने इस सॉफ्ट माहौल से थोड़ा बाहर चला जाऊं उस चीज के लिए मैंने गवर्नमेंट अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर ज्वाइन कर लिया इस कॉलेज में मेरे तीन साल का सफर ऐसा रहा कि जिंदगी का जो इंसान का जो पहलू होता है ये कॉलेज का जो लेवल होता है या कॉलेज की जो लाइफ होती है इंसान हमेशा सोचता है कि जो कॉलेज की लाइफ होती है मस्ती मजाक बचपन इन सारी चीजों में गुजर जाती है बट मेरे लिए कॉलेज का सफर बहुत शानदार रहा इन उम्मीदों से इन चीजों की जो जो एक्सपेक्टेशंस थी इनसे बहुत आगे चला गया अपने पहले ही ईयर में आने में मैंने एक एनसीसी छात्र रहा हूँ कैडेट रहा हूँ जब जहाँ मैंने एनसीसी में ज्वाइन किया था और कॉलेज की तीन साल तक मैंने एनसीसी के सारे कैंपस क्लियर करके सी सर्टिफिकेट भी हासिल कर ली थी और इस कॉलेज में जिंदगी का वो सफर जो कुछ थोड़ा सा अधूरा लग रहा था जो तैलीम की जो लेवल जो तैलीम का जो अंदर का जो खजाना खाली थोड़ा लग रहा था उस खजाने को पूर करने के लिए उसको भरने के लिए जिंदगी का ये सफर फिर से मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ रागब किया जहां मैंने टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के कोर्स में एंट्रेंस देकर एडमिशन हासिल कर लिया और इन दो सालों का सफर ये जो यूनिवर्सिटी की लाइफ होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इंसान के लिए एक स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट की नज़र से हम देखेंगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये जिंदगी का वो सफर होता है जिसमें इंसान लाइफ के बारे में जितने भी डिसीजंस वो ले सकता है उन पे काम कर सकता है अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है वो यही दो साल होते हैं और इन दो सालों में 2017 से लेकर 2020 तक अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल कर ली और अल्लाह ताला की मदद से अपने घर वालों की दुआओं की वजह से और होनहार प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर्स की वजह से मैंने अपने बैच का टॉपर नामजद हो गया और इस बात को लेकर अभी मुझे इतना फख्र हासिल हो रहा है फखिर महसूस हो रहा है कि मैं इसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता आप टॉपर हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारे दे जितने दे भी व्यवर्स व्यूवर्स हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और जो और लोग हैं जो आपसे इंस्पायरेशन ले रहे हैं आपको बहुत बहुत मुबारक हो मैं और भी कुछ चीजें होती हैं जो इंसान के बनाने में बहुत उनका अमल दखल रहता है या तो मुझे यह कहना पड़ेगा भाई रफीक क्या बहुत काबिल हैं अगर इतनी ही बात है तो बात खत्म लेकिन इस काबिलियत को संभालने में इस काबिलियत को निखारने में इस काबिलियत को यहां तक लाने में मेरी राय है बहुतों का रोल होगा आपके घर से शुरू करें आपके वालिद साहब का एक खाब रहा होगा कुछ बयान करेंगे आप जी सर जरूर क्यों नहीं सर सर एक छोटी सी कहावत है या मैं उसको कहावत न कहूं एक सेंग कहता हूं कि हर एक माँ बाप या हम अपने पिता कहेंगे फादर कहेंगे या बाप कहेंगे या हम वालिद साहब कहेंगे तो हमेशा उनका ख्वाब होता है कि उनका जो बच्चा है या उनके जो फर्जंदे हैं वो हमेशा आगे जाके उनका नाम रोशन करें और ऐसा ही मेरे मेरे पिता भी जो मेरे वालिद साहब है उनका भी ख्वाब इतना ही नहीं था उनका ख्वाब तो इससे भी बहुत बड़ा था लेकिन इस ख्वाब को चैनलाइज करने के लिए उनका मुझ पर भरोसा करना मुझ पर इन्वेस्ट करना मुझ पर तरह तरह की जो सहूलियात मुझे फराहम करना जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे लाके रख दिया है जहाँ पे मेरे वालिद साहब को फख्र होता है मेरा नाम लेने के लिए कि जी हाँ ये मेरे ही बेटे हैं जिन्हें आज इस न, इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है पहले तो हमेशा वालिद साहब ही थे या हम कह सकते हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वही सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है जो एक इंसान को हमेशा मोटिवेट करती रहते हैं कि उसको लाइफ में आगे जाके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है अपना नाम रोशन करना है जिस जगह से बिलोंग करता है उस जगह का तो नाम रोशन करना है जहां से अलिम हासिल कर रहा है उस जगह का नाम रोशन करना है लेकिन शुरुआत हमेशा अपने से ही होती है फिर वाले से होते होते से होते होते बहुत सारे लोग इस कारवान में जुड़े रहे जुड़ जाते हैं जो एक इंसान की मोटिवेशन बनती है हम कह सकते हैं उसके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर बनते हैं उसके लिए एक जरिया बनते हैं जो उसको मदद करते हैं जो उसको रहबरी करते हैं इस ख्वाब को हासिल करने के लिए इस ख्वाब को बहुत दूर ले जाने के लिए इस ख्वाब को हमेशा पूर करने के लिए तो उसमें मेरे साहेबान है उन, उनका है जो मेरे जो मेरे दोस्तान साहिबान है उनका हाथ है जो टीचर साहिबान है जो हम कह सकते हैं कि मेरी कॉलेज डे से ही मेरे साथ मुंसलिक हैं चाहे वो कॉलेज टीचर्स हो चाहे वो यूनिवर्सिटी टीचर्स हो उनमें कुछ उनका जो हमेशा मेरा पॉजिटिव रोल उनका रहा है मेरी लाइफ में मेरी इस आ, आ, हम कह सकते हैं इस उम्मीद को चैनलाइज करने के लिए मेरी इस अचीवमेंट को हमेशा आगे ले जाने के लिए इन्हीं लोगों का हमेशा हाथ रहा है बहुत ही ईमानदारी से आपने बात कह दी कि बहुत सारे लोग मिलजुल कर इस तरह की कामयाबी हासिल करने में बिलाकर हमें मदद करते हैं अब जरा इसे हटकर मैं आपको एक बात याद दिला दूं। हमारी बस्ती में हैं हालात ऐसे कुछ कि एतवार करना मुश्किल हो गया या सिर्फ तनकीद करने की आदत बन गई है हम अपने निजाम को मुख्तलिफ सिस्टम को कोसते रहते हैं ये कुछ नहीं है वहां कुछ नहीं है क्या है ये वो ए सैडेस्ट अप्रोच और मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा लगता है जब एक बहुत बड़े इदारे के बारे में इतनी कमजोर सोच पेश की जाती है आप कश्मीर यूनिवर्सिटी से ही निकले ना बिल्कुल सर बिल्कु. ये जो हम आ आदत है निजाम को कोसना इस पर आप कुछ तबसरा करेंगे जी सर जरूर जरूर देखिए सर एक मोटिवेशनल कोट मैंने सर एक बार कहीं से पढ़ा था कि सुना था याद नहीं सर किसने कहा था कि एक इंसान को जब सर कहते हो कि आप किन रीजन से अपनी लाइफ में पीछे रह गए तो सर उनके पास बोलने के लिए हजारों रीजन होते हैं कि मैं इस वजह से पीछे रह गया मैं उस वजह से पीछे रह गया मेरी ये कारण थे इस चीज को हासिल करने के लिए लेकिन नहीं हुए लेकिन वही जब आप एक उस इंसान को सर पूछते हो कि आपका जो कामयाब होने के पीछे रीजन क्या था सर उसको आप जब पूछते हो उसके पास कामयाब होने के लिए हजारों ऐसे रीजन होते हैं कि वो कामयाब नहीं हो सकता है लेकिन एक ऐसा रीजन होता है जिसको वो पॉजिटिव वे में तब्दील कर लेता है एक उम्मीद की किरण हम कह सकते हैं एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखती है उसमें और वो हो जाता है और जो ये बंदा होता है जो निजाम को कोसता है कि निजाम ठीक नहीं है वो नहीं है सर ये तो वैसी ही मिसाल हुई ना कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं होता है निजाम को तो हर हमेशा हर कोई कोसता है लेकिन खुद निजाम बन जाना खुद अपने आप में ऐसे चेंजेस लाना कि खुद निजाम ठीक कर ले वो कोई करता नहीं है सर ये सिंपल सी बात है एक इंसान अगर निजाम को बदलना चाहता है उस निजाम को बदलने के लिए पहले इंसान को खुद बदलना चाहिए बदलना पड़ता है जब इंसान खुद में वो चेंज लाता है तब वो निजाम को बदलने की कोशिश करेगा जब वो खुद गलत है तो उसको सर निजाम भी वैसा ही लगता है वो निजाम को भी कोसता है कर जाता है तो जी जी मुझे एक शेर याद आया जमाने यूं भी बदलते रहते हैं जमाने यूं भी बदलते रहते हैं मर्द वो है जो जमाने को बदल दे अब आपने खुद तस्दीक कर दी कि मेरा बनना मेरा कामयाब होना ठीक है अल्लाह का करम है नवाजिश है हमारी मेहनत है माँ बाप की दुआएं हैं लेकिन अब आपसे हम ये उम्मीद भी रखेंगे ना कि अब आप बनाएंगे अब आप बनाने वाले हैं अब आपने कंट्रीब्यूट करना है तो इस तरह की उम्मीद अगर हम आपसे रखते हैं या बस्ती वाले आपसे रखते हैं आपका गांधरबल इलाका आपसे रखता है वालदेन तो रखेंगे उनकी तो आप चाह हैं उनकी तो आप ख्वाहिश हैं उनकी आ, आप तो हैं सब कुछ वो तो रखेंगे लेकिन आज के बाद गांधरबल वाले भी आप पर नाज करेंगे तो कल आप मेडल लेने जा रहे हैं ये जो लम्हा तुम्हें मिल रहा है आपकी जिंदगी में इसका क्या मतलब है सर इंसान के बहुत सारे पहलू होते हैं जहाँ पे इंसान की जो एक एक, एक इंसान की एक मर्द की एक औरत की जो या हम तालब इम की बात कहते हैं इंसान के बहुत सारे ऐसे स्टेजेस होते हैं जो इंसान को ज़िंदगी भर के लिए यादगार रहते हैं जो इंसान को जिंदगी के हर उस मोड़ पे याद आते हैं जब इंसान अपनी लाइफ के बारे में जो उसने कशिश की होती है जो उसने हार्ड वर्क की होती है जो उसने मेहनत की होती है इस स्टेज को पाने के लिए और जब वो स्टेज उसकी आंखों के सामने उसके मिल रहा है उसको वो हासिल हो रहा है और ये चीजें तो इंसान के मुंह से कभी ना उस बंदे के मुंह से उस फर्द के मुंह से कभी बयान नहीं होती है कि वो कितना इस वक्त के लिए तरसता है और जब वो मिल जाता है तो उसकी एक अपनी एक पहचान ही अलग होती है उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंसी एक ऐसी होती है कि इंसान उसको कभी भूल नहीं सकता है मेरे लिए ये स्टेज खाली गोल्ड मेडल ही नहीं है मेरे लिए ये स्टेज ऐसा भी है कि मैं आगे जाके अल्लाह करे अल्लाह करे इनशा तला इनशाला पूरी जो टूरिज्म की अकेडमिया है इनशल्ला हमेशा आगे मैं मेरा जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो इस पे हमेशा बरकरार रहेगा इस स्टेज की बदौलत मुझे कल को पब्लिक में एक रिकग्नेशन मिल सकती है जहां पे लोगों के लिए मैं एक मोटिवेशन फैक्टर बन सकता हूं उनके सामने जाके एक पब्लिक स्पीकर मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर बन सकता हूं जहां से मैं बहुत सारे ऐसे तालब इम शायद वो इस चीज से दूर हो चुके हैं इस मोटिवेशन से दूर हो चुके हैं शायद मेरी वजह से उनको एक मोटिवेशन उम्मीद की किरण उनको मिल सकती है uh, रफीक सब, uh, मैं अपना आखिरी जुमला आपके लिए बयान कर रहा हूं कल इनशा एक तारीखी मोमेंट आपकी जिंदगी में आप स्टेज पर होंगे आपकी इज्जत अफजाई होगी बहुत सारे लोग तालियां बजाएंगे ये तालियां आपके लिए तो हैं लेकिन हमारी तरफ से ये कर्ज है ये कर्जा आपने उतारना होगा हमें मायूस नहीं करना हमारी दुआएं आपके साथ हैं अब आगे बढ़िए हमारी रहबरी कीजिए हमारी मदद कीजिए गॉड ब्लेस यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच सर इनशा इनशा सर कभी आपको मायूस नहीं होने देंगे इनशाला इनशा कभी मायूस नहीं होने देंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर मंजूर अहमद मेरा एक वेबर कहता है वेलकम सिट दोस्त मैंने जिस दिन ये प्रोग्राम शुरू किया था बातों बातों में मैंने कहा था मकसद जवाबदेही से नहीं है मकसद जानकारी से है जानकारी इसलिए कि हम जानकार रहें और सही फैसले ले लें रोज कोविड पर बात होती है या कुछ इससे जुड़े मामलात पर या फिर हमारी परेशानियों में ऐसे में शहर में इल्म आगही का एक सेमिनार हो रहा है एक असम्बली हो रही है एक इज्तमा हो रहा है मेरे ख्याल में ये ईद के बाद ये बहुत बड़ा दिन है जो हमें मिल रहा है मुझे लगा मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए मुझे यकीन है आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी रहवरी कीजिए मुझे सही कीजिए तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ नहीं तो आपसे उम्मीद है ऐसे सुकॉलर आएंगे मैं भी सीखता हूँ तो बस दिल की बात करता हूँ दिल की ज़बान बोलता हूँ और कुछ आता जाता नहीं है फिर भी आपको पसंद है तो शेयर ज़रूर करें अल्लाह हाफ न